मैं एडवाइस इतना नहीं देना चाहती हूँ ओके बच्चे जो है जो मम्मी डैडी करते हैं वही करते हैं वो लोग। ऐसे मुझे सेट पे कैसे पता चलेगा कि उन लोग यहाँ करते हैं। हाय गाइस रेडी साइलेंस प्लीज। बीच क्लीनअप करके आज यहाँ पे शुरुआत की गई आपकी मॉर्निंग की। एज एन एक्टर आप किस तरीके से देखते हैं सारी जो भी प्रोसेस की जाती है जो नए सोशल एक्टिविटीज किए जाते हैं आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है किस तरीके का चेंज आगे चल के आ सकता है इस क्लीनअप से? ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। मैं बचपन से झूबी चाहती हूँ और काफ़ी बुरा भी लगा जब मैंने स्टार्ट किया क्योंकि आई जस्ट थॉट दैट इतना सारा प्लास्टिक एंड देयर सो मच डर्ट ऑन द बीच सो यू फील कि जितना भी करो इट देयर सो मच मोर टू गो और भी बहुत कुछ करना बाकी है पर कहाँ से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड आई एम जेन्युइनली सो प्राउड टुडे टू बी एसोसिएटेड विद गार्नियर बिकॉज ऑफ देम आई कुड कम हियर टुडे एंड द इनिशिएटिव जो उन्होंने उठाया है यहाँ पे टू क्लीन अप द बीच दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारे इंटेंशन से बदल सकता है सब कुछ एंड यू नो टेकिंग एक्शन ऑन दैट इंटेंशन एंड देन यू नो इट गेट्स बेटर फ्रॉम देयर। मतलब अगर आप बहुत इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे बीचेस हैं जो काफ़ी क्लीन हैं आई जस्ट थिंक क्योंकि हमारा जो इतना पॉपुलेटेड है और हमारे में वी जस्ट नीड टू इनकल्केट जो एक कल्चर है कि हम कचरा नहीं फेंके या फिर हम अगर यू नो बिस्किट खा रहे हैं बीच पे तो उसका रैपर हम वी डोंट लाइक जस्ट डिस्पोज इट ऑफ। तो आई थिंक ये जो कॉन्शियस डिसीशन है वो हमें लेना पड़ेगा और हमारा घर समझ के हमें ट्रीट करना है क्योंकि अगर हम घर पे है तो हम थोड़ी ना हमारे रैपर बिस्किट खा के हमारा रैपर फ्लोर पे ऐसे फेंक देते हैं। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट कि हम बाहर आके वो वी शुड डू व्हाट वी डू एट होम यू नो। मैं एडवाइस इतना नहीं देना चाहती हूँ ओके आई वुड से कि जो मैंने मेरे लाइफ में जो किया है फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगता है कि छोटे चेंजेस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बट आई जेन्यूनली बिलीव कि अगर हम वी स्टार्ट स्मॉल मतलब जो भी है अगर आप टिश्यू कॉन्शियसली यूज़ करो बैम्बू टूथब्रश यूज़ करो प्लास्टिक नहीं यूज़ करो तो इट्स द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर एंड बेसिक स्टफ़ की अगर हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा एक बैग लेती हूँ जो ट्रैश वाला बैग है जो मैं गाड़ी में रखती हूँ तो हमेशा मेरा जो भी कचरा है मैं उसमें डालती हूँ और मैं रोड पे नहीं फेंकती हूँ। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन डू एंड इफ़ यू फील लाइक किसी ने कुछ फेंका है इट जस्ट पिक इट अप यू नो स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स या आई एम सेइंग आप रिसाइकल प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं जो रिपर्पस हुआ है और जो बैग है ऐसा नहीं कि मैंने कभी आई हैव नॉट हेल्ड अ प्लास्टिक बैग पर वो जो प्लास्टिक बैग है हम वापस यूज़ कर सकते हैं दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नो दैट नॉट टू जस्ट एक बार यूज़ करके फेंकना दैट्स यू नो वी शुड अवॉइड दैट एंड ट्राई एंड कीप री यूज इट। पूजा जी अगर आपको एनवायरनमेंट संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई तो आप ऐसा कौन सा एक बदलाव करेंगे एक चेंज करेंगे जिससे शायद थोड़ी साफ सफाई में एक बदलाव आ सके वन चेंज अगर आपकी तरफ से कुछ करना आई थिंक अगर ये जो इनिशिएटिव है
I would start with that. And I think that कि जो कल्चर है कि हम एनवायरनमेंट को लाइटली ना ले एंड हमें जो यू वांट टू से समथिंग आई थिंक द पॉइंट इज दैट अगर हम बचपन से लाइक वी टीच आवर चिल्ड्रन दैट इफ इट इज अ कल्चरल थिंग दैट वी हैव बीन ब्रॉट अप दैट दिस इज नॉट व्हाट यू शुड डू क्योंकि हैबिट्स जो है मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं बताया कि ये करो ये नहीं करना है पर मैंने उनको देख के किया है या नहीं किया है वी ऑलवेज सी आर पेरेंट्स सो आई थिंक इट्स गुड टू बी एन एग्जाम्पल एंड डू इट योर सेल्फ क्योंकि बच्चे जो है जो मम्मी डैडी करते हैं वो ही करते हैं वो लोग सो आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग योर चाइल्ड डूइंग इट योर सेल्फ एंड दैट्स वेयर आई वुड स्टार्ट आई थिंक विद कॉलेज स्कूल्स ऐसे मुझे सेट पे कैसे पता चलेगा कि उन लोग यहाँ करते हैं दैट्स व्हाट आई सेड कि मैं बहुत खुश हूँ आई एम वेरी प्राउड ऑल्सो गार्डियन ने जो इनिशिएटिव लिया है मतलब वो लोग इतने कॉन्शियस है कि जब भी हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ के लोकल हेयर मेकअप यूज़ करते हैं ताकि हमारा वी डोंट हैव टू फ्लाई मैनी पीपल एंड कार्बन फुटप्रिंट तो वो बहुत ऐसे स्मॉल स्मॉल थिंग्स पे बहुत लाइक ध्यान देते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट देम दे टेकिंग इनिशिएटिव्स लाइक द बीच क्लीन अप उनके अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 100% रिसाइकलेबल प्रोडक्ट पैकेजिंग से बनाया उन्होंने 100% रिसाइकल पैकेजिंग बनाया है तो आई थिंक इट्स ऑल दीज स्मॉल थिंग्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड देन दे आर डूइंग ऑल दीज अमेजिंग एक्टिविटीज़ लाइक द जू बीच क्लीनअप थैंक यू थैंक यू